यही वक्त होता है दोस्तों कि प्लांट एक साथ सब जगह में स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो मल्टी स्टाइल हो, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने सेमी कैस्केड की तरह नीचे रखा है और ये ऊपर इनफॉर्मल है। तो इन दोनों में एक साथ स्टार्ट होता है जब स्प्रिंग आता है और फिर अनबैलेंस करने लगता है, कहीं ऊपर होगा कहीं नीचे होगा। तो यही वक्त है दोस्तों जब आप अपने प्लांट को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक फाइनल शेपिंग के लिए, बेसिक के लिए एक ट्रिमिंग करना होता है या करते हैं, जो डाइबैक हुई चीज़ें हैं वो निकालते हैं और इसमें पिंच भी किया जाता है या ट्रिमिंग भी किया जाता है, जिससे आने वाली ब्रांच से कुछ पेड्स बना सके हम, फाइनल रेमिफिकेशन या फाइन रेमिफिकेशन पे हम जा सके। इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांचें प्रोड्यूस करवानी है, इस बात फाइनल रेमिफिकेशन करवाना है हमें। यहाँ थोड़ी अजीब तरीके से मैं स्टाइल करता हूँ, मेरी अलग एक शैली है या यूँ कहे कि स्टाइल है, क्रेजी बैंड्स देख सकते हैं, इस तरह स्टाइल हुआ प्लांट आप शायद ही कहीं देख पाएंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ ट्रिमिंग, जिससे हम आने वाले वक्त में इस प्लांट को एक बढ़िया पेड्स के साथ रेमिफिकेशन करवा पाए दोस्तों, कॉम्पैक्ट कैनोपी के साथ। तो यही वक्त है जब हम अपर और लोअर ब्रांचों को एक साथ ट्रिमिंग दे सकते हैं दोस्तों। बाद में क्या करना होगा, ऊपर वाली ब्रांचों को पहले ट्रिमिंग करना है, फिर नीचे वाली ब्रांचों में करेंगे, इस तरीके से बैलेंस तरीके से करना है दोस्तों। यहाँ कुछ इधर उधर हुई है, ब्रांच अपवर्ड बढ़ गई है, तो इसे में आप सबको वायरिंग भी करना पड़ सकता है, तो हम भी कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही है, तो इसी में से हमें चुनना होगा कुछ ब्रांचों को। यहाँ भी वी शेप हो जाता है तो चलेगा, डिफोलेशन भी लगे हाथ कर ही देना है, क्योंकि प्लांट जो पुराने लीफ थे उन सबको गिराएगा ही गिराएगा। तो डाईबैक हो चुके पार्ट को भी हटा देना है और बैलेंस तकनीक को अपनाते हुए आगे वाले सीजन में हम चलेंगे। तब हम पहले ऊपर में, ऊपर जल्दी ग्रोथ होगा अब की बार, तो ऊपर वाली ब्रांचों में एक बार ट्रिमिंग होगा, फिर नीचे वाली ब्रांचों में होगा, इस तरीके से बैलेंस तरीका अपनाना पड़ता है, फिर से एक साथ हम नहीं ट्रिमिंग कर पाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो देखते रहे। ये लोकल स्पीसीज है यहाँ की, फाइकस एम्पलिसिमा किसी को पता ना हो तो। तो ये सबके लिए बहुत ही हैप्पी वाला मौसम रहता है, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है दोस्तों कब प्लांट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब ने लाके भी रखे हुए होंगे कुछ प्लांट्स और उस पर वर्क करने का टाइम का वेट कर रहे थे सब, और अब टाइम आ गया है और बारिश भी हो रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, कुछ उमस वाला एनवायरनमेंट भी मिलेगा। नहीं तो इस वक्त तो पत्ते भी जल सकते थे, वो नहीं जल रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमने दे दिया है दोस्तों यहाँ टचअप, या यूँ कहें कि उसको फाइनल शेपिंग के लिए हमने एक दिशा निर्देशन कर दिया है। तो चलिए मैं कहीं कहीं वायरिंग कर लूँगा, जिससे ये एक पैड्स में रहे, यहाँ मुझे चाहिए वही ग्रोथ मिले, इसलिए कहीं कहीं मुझे वायरिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ ब्रांच में वायरिंग कर लिया और कुछ प्लेसमेंट की ब्रांचों की देख सकते हैं, और ऊपर के ब्रांचों में इतना नहीं किया है,
कुछ नया ग्रोथ आने के बात करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, ये बैलेंस तरीके से करना पड़ता है ट्रेनिंग, नहीं तो इतनी ज़्यादा ब्रांच पिछले साल हम नहीं बना पाते रख पाते थे। हम ब्रांच बना भी देते हैं तो वो सब खो देते हैं क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ खास चीज़ है दोस्तों, रूट में से बना हुआ ये वाउंड, तो ये कुछ अलग ही है, निकल के आया है। तो मिलते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।